हेलो स्टूडेंट, एनडीएनए में 21 अप्रैल में हमारे पास आज 10 डेज हैं। इन 10 डेज में हम किस ढंग से प्रिपरेशन करें और क्या क्या चीजें रिवाइज करें, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैं जीएस वाली मैडम के साथ भी सेशन कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था सर कि लास्ट 10 डेज में जीएस को किस ढंग से पढ़ना चाहिए या कैसे रिविजन करना चाहिए। और साथ में आपसे मैंने एक जो कमिट किया था कि अब आपके साथ क्विक पेपर सोल्यूशन की क्लास डिस्कस करूंगा, तो उसका पहला सेशन आज रहेगा, उसके लिए आप रेडी हो जाएं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं जो 10 डेज बचे हुए हैं अभी तक, लास्ट 3-4 डेज में मैं आपके साथ जेई के जो पेपर डिस्कस कर रहा था, आप में से कई लोगों ने पूछा था कि क्या ये एनडीए में यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो मैं बोलना चाहूंगा डेफिनेटली है। इन पेपर के सोल्यूशन देखिए, जो क्विक रिविजन क्लास ली थी वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। उसमें भले ही वो आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, पर सभी टॉपिक का बेस वही था और ये दिमाग में रख के ली थी कि वो आईआईटी के साथ साथ आपको भी काम में आए। अभी अगर हम आईआईटी के पेपर देखें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एनडीए में बहुत यूजफुल हो सकते थे, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, जो मैंने सॉल्यूशन डाले वो देखिए। दूसरा, आपको जो मैंने एक सजेशन दिया था, आप में से कुछ लोगों ने से इमीडिएटली उस पर एक्शन भी लिया और जब आप एसेस किया कि सर उसका फायदा मिला, तो मैं बोलूंगा इसको कंटिन्यू रखिए। अब आज सबसे पहले आज है 11th। अभी मैंने ये लाइव क्लास इसलिए नहीं ली थी आपके साथ क्योंकि आईआईटी के जो एनडीए का एग्जाम देते हैं वो आईटी का भी एग्जाम देते हैं, तो ऐसे में वो कंफ्यूज ना हो जाए। आईटी का केवल एक ही पेपर बचा है 12 तारीख वाला, तो बहुत ही कम होंगे। पहले बात करता हूं मैं 11th अप्रैल को क्या करना है, राइट? अभी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया होगा, उसमें 2018 एनडीए 2 का पेपर आपको मिलेगा मैथ्स का। पहले इस पेपर को आपको सॉल्व करना सॉल्यूशन आपको रात को मिलेगा वीडियो के फॉर्म में। तो पहले ये पेपर आप सॉल्व करिए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि सबसे पहला क्या होता है कि जब हम एनडीए की बात करते हैं 120 क्वेश्चन की, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार 120 क्वेश्चन तक रीच ही नहीं कर पाते टाइम के अंदर। और इस वजह से होता यह कि कई बार जो सिंपल क्वेश्चन है वो हमारे मिस हो जाते हैं। तो जो मैं आपके साथ सेशन शेयर करूंगा, क्लास सेशन, ये क्लास में दे रहा हूं, तो वो सेशन में मैं पहला ये टारगेट रखूंगा कि आप कैसे 60 से 80 क्वेश्चन रीच करें। 100% पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं, सबसे पहले जरूरी है कि 60 से 80% राइट सॉल्व करें। तो ये जो सेशन रहेगा लॉन्ग सेशन रहेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा सेशन के लिए। मोस्ट मिनिमम 1.5 आवर टू टू एंड हाफ आवर तक सेशन हो सकता है। कंटिन्यूसली अटेंड करिएगा और साथ में पेपर लेके बैठिएगा और पहले आज आपको ये खुद भी सॉल्व करना है। इस तरह से मैं 2 और 3 से कम डिस्कस करूंगा, और जो पेपर डिस्कस करूंगा उस पेपर के बारे में मैं आपको पहले बार मैसेज दूंगा मॉर्निंग में, फिर उसकी इवनिंग में क्लास रहेगी। तो जब आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो जब पहले तो आप करेंगे इसको सॉल्व, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है, कहां पर कितने क्वेश्चन राइट है, कितने रॉन्ग है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने मैसेज भेजे उसमें ये कि सर अटेम्प्ट तो कर रहे हैं पर रॉन्ग बहुत हो रहे हैं, तो रॉन्ग ना हो। दूसरा, पूरे 120 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, 40-50 क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का मैं आपको जो तरीका हो सकता है वो आपको बताने वाला हूं। तो ये जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है। तो सबसे और सितंबर वाला जो पेपर था इसको आपको सॉल्व करना आज, अभी जैसे ही मैंने सेशन सुनो तुरंत पेपर लो और सॉल्व करना चालू कर दो। फिर इस पेपर में आप देखिएगा कि आपके राइट और रॉन्ग क्या है। देन इवनिंग 8 o'clock पे मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। आप फिर ये देखिएगा कि आपने उनको जिस ढंग से सॉल्व किया और मैंने किया है उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, वो टेक्निक समझना है। और इस पूरे समय में मैं कोशिश ये करूंगा कि कैसे आप 60 प्लस को क्रॉस कर पाए। आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, अगर आप 60 प्लस कर रहे हैं तो 70 प्लस कैसे कर पाए, 70 प्लस कर रहे हैं तो 80 प्लस कैसे कर पाए। साथ ही जीएटी में कैसे स्कोर करें, इस पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप में से कुछ बच्चों ने पूछा सर प्रीवियस पर सॉल्व करने से फायदा होगा कि नहीं। मैं बोलूंगा फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जब पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपका एक बिल्कुल पैटर्न या आइडिया सेट हो जाता है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो जनरल करेंट अफेयर्स हैं उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूंगा बाकी मैडम आपको उस बारे में पूरा बताएंगी। तो आप लोग सबसे पहला एक काम करिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। और एक और चीज मैंने बोली थी, जैसे आज आप देंगे मैथ्स का पेपर, हर अल्टरनेट डेज पे आपको करना ये है, जैसे आज आपने मैथ्स किया फिर 13 को फिर से मैथ्स और जीएटी का पेपर देना है, और टाइमिंग वही रखिएगा 10 o'clock और 2
2:30 वाला ही टाइम रखिए, फिर 15 को दीजिए, फिर 17 को दीजिए। ऐसे चार सेशन अगर आपने ले लिए तो दो बातें होंगी इससे, एक तो आपको इस टाइम की एक आदत पड़ेगी बैठने की, दूसरा आप ऑन टाइम जब पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें निकल के आ रही, और नेक्स्ट डे इन पेपर को एनालिसिस करना। तो इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, लास्ट के 10 डेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। मैथ्स के कुछ टॉपिक अगर छूट गए कोई बात नहीं, अब नए पढ़ने की जगह अब जो पढ़ा है उसका रिविजन करिए। और ये जो मैं पेपर आपको सोल्यूशन करवाऊंगा उसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम देखेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 6+ क्वेश्चन में मेरा टाइम जो होगा वो 1 घंटे से कम होगा, पर मैं क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक थ्योरी जहां रिलेटेड थ्योरी होगी उसका भी एक क्विक रिवीजन करूंगा। इस बात का कि कैसे लास्ट टाइम में हम प्रिपरेशन करें, किस ढंग से हम पेपर को सॉल्व करें, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो पेपर मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा इन 2-3 पेपर के सॉल्यूशन से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट करके अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। देखिए एक चीज अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको मैथ्स में 120 क्वेश्चन में अगर आप 60+ करते हैं तो आप 100% मैं श्योर हूं कि आप कट ऑफ के ऊपर निकल जाएंगे। ऐसे ही GAT में अगर 150 क्वेश्चन में से आप 80+ क्वेश्चन करते हैं तो ऑलमोस्ट आप इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम किस तरह से 50+% पेपर को सॉल्व करें, और फिर ये पेपर टाइम नहीं आती वो कर पाएंगे। जो सेशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें पहला ऑब्जेक्ट ये है कि हम कैसे 60+ करें। जब 60+ आप टाइम में कर लेंगे तो बचे हुए टाइम में जो क्वेश्चन लेंदी है, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उन तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप पूरे क्वेश्चन ना देख पाए या फिर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें सबसे ज्यादा इसी बात पे वर्क करूंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करें कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम अटेंड कर पाए। राइट right?